जंगल। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों की। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का है विशेष महत्व, पिंडदान करने से पितृ होते हैं प्रसन्न। खबर नरसिंहपुर से, जहां इस साल पितृपक्ष 2 सितंबर से शुरू हुआ है जो कि 17 सितंबर तक रहेगा। श्राद्ध के इन दिनों में लोग श्राद्ध कर्म करते हैं। लोग अपने अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण, हवन और अन्य दान करते हैं। जी हाँ, अश्विनी कृष्ण पक्ष का 15वां दिन का समय पितृपक्ष कहा जाता है। इन दिनों में खास पितरों को याद किया जाता है और मृत पूर्वजों को संतुष्ट करने के लिए पिंडदान किया जाता है। पिंडदान सनातन धर्म में विशेष महत्व, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में तर्पण और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने परिजनों को सुख और संपदा के साथ शांति आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में स्वर्ग लोक से पितर पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि पितरों के तर्पण करने से पितृ दोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में बड़े ही सेवा भाव से मनाया जाता है और इसमें अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। ये पंडित रामप्रसाद दुबे ने बताया कि पितरों को सेवा भाव और सरल विधि से भी प्रसन्न किया जा सकता है। रोज पितरों का तर्पण करें और पितरों का श्राद्ध करें। पितरों की जो देवी होती हैं वह सुधा देवी होती हैं। सुधा देवी का नाम लेकर अपने पूर्वजों को तर्पण करना चाहिए, जिससे पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितृपक्ष बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत बढ़िया है, सभी के लिए करना चाहिए। सभी पुत्रों का कर्तव्य होता है कि वो अपने पूर्वजों के लिए, और ये 15 दिन मिलते हैं पितृपक्ष के, इसमें अपना जल जरूर करना देना चाहिए। पितरों की जो देवी है, आप बता रहे थे कि पितरों की जो देवी है, अधिष्ठात्री देवी सुधा देवी है जी, और सुधा का नाम लेकर के और पितरों के लिए जल देना चाहिए जी। जैसे अपने पिता के लिए, मम पितायाम तस स्वर्ग प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति पितार्था जलम तस्मय स्वधा नमः, इस प्रकार से 3-3 अंजलि जल देना चाहिए। वो उनको पहुंचता है और वो प्रसन्न होते हैं, जल उनको प्राप्त होता है। ये पुत्र का कर्तव्य होता है, तो उनकी सब मनोकामना भगवान। नरसिंहपुर से मुकेश पटेल की रिपोर्ट।